38 घंटे ये ट्रेन मैं और 38 घंटे निकालने हैं, तो दिखाते हैं आपको कि 38 घंटे में क्या क्या करता हूँ मैं। होपफुली अच्छे से निकल जाए। बाकी जय माता दी। मूवीज वूवीज डाउनलोड कर रखी है और खाने वाने का कोई आइडिया है नहीं। दिल्ली से हूँ तो देखता हूँ अब यहाँ पे क्या ऑर्डर कर सकते हैं या क्या कुछ कर सकते हैं रास्ते में, दिखाते हुए चलते हैं। ऑल दो ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस में पेंट्री कार है, तो होपफुली अच्छा कुछ मिल जाए। लेट्स गो, शुरू कर रहे हैं। मैं कर्नाटका एक्सप्रेस के थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहा था। रात में मैंने केक खाया और फिर मैं जल्दी सो गया था क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही थी और अगले दिन सुबह भोपाल में मेरी आँख खुली। तो 10 घंटे बीत चुके हैं और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे हल्का हल्का खांसी हो गया है क्योंकि एसी के पास सोया था और दिल्ली की ठंड से निकला था। बट पता नहीं, अब बता नहीं सकता आवाज़ भी ठीक आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। माइक लेके नहीं आया हूँ बाहर क्योंकि सोचा कि सुबह उठा जस्ट मैंने और देखा भोपाल आया, तो मैंने सोचा बाहर आकर के कुछ शूट कर लेते हैं, देखते हैं बताते हैं कि 10 घंटे एक पड़ाव जो मेरा पहला पड़ाव मैंने मान रखा था सुबह भोपाल का वो पार हो गया है। अभी भी 28 घंटे बचे हैं। ऑल्दो भोपाल हम 10 मिनट लेट आए हैं, तो यानी कि अब 38 घंटे 10 मिनट और हो चुके हैं। मतलब टोटल टाइमिंग इसके 38 घंटे 46 मिनट है बैंगलोर तक के लिए। लेट्स सी क्या होता है। एक पड़ाव खत्म हो गया है। अब इस पड़ाव में तो मैंने सिर्फ सोया है, मेरा टारगेट ये था कि इस पड़ाव में सोऊंगा। अब यहाँ से टारगेट है कि इटारसी आने तक 8 बजे तक फिर ब्रेकफास्ट प्लान करेंगे। ये वाला हिस्सा बहुत इजीली डन हो गया, बट इसके आगे जो आ रहा है सेगमेंट उसमें पूरा दिन, अब ये जो ये पूरा दिन है ना ये थोड़ा बोरियत से भर सकता है। तो इसमें प्लान है कि अलग अलग चीज़ें जो कर सकते हैं, जो बना सकते हैं इसमें, वो प्लान करके वो लेके जाने का कोशिश करते हैं। और बहुत ख़राब भी नहीं था, बट ठीक ब्रेकफास्ट मिल गया मुझे लगता है। नेक्स्ट स्टॉप अब देखते हैं 10 बजे के आसपास कुछ हो। लंच ट्रेन के अंदर से ही सोचा मैंने, पेंट्री कार इसका अच्छा है और काफ़ी सुन लिया है उसके बारे में, तो आके देखते हैं बताते हैं कैसा। तो मतलब मेरा तीन पार्ट में जो मैंने अपने जर्नी को सोचा था उसका एक पार्ट तो ख़त्म हो चुका है और अभी तक ठीक बीता है। अब यहाँ से मूवीज़ देखेंगे, थोड़ा सा कुछ काम वाम करने की कोशिश करेंगे और ट्रेन काफ़ी सही चल रही है अभी तक, तो लेट नहीं चल रही है। बाकी दिखाते हैं आगे बढ़ाते हैं क्या होता है। तो एक पीस करो ना, दो वाला दो, एक प्लेट आता घर पूरा। अच्छा, बाकी का प्रॉब्लम आता ना, बाकी वाला काम ही नहीं करते यार, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। ज्यादा आप देखो, तुम्हारे बना करके दे दो ना। हां सही है, ऐसा दे रहे ना, चटनी मिर्ची डाल के। वो असल जंक्शन शायद ये स्टेशन है और बिफोर टाइम आ गए हम यहाँ। हम 10 मिनट बिफोर टाइम आ गए हैं, तो मैंने अभी वड़ा पाव लिया और वड़ा पाव खाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मतलब पता नहीं, अब बना करके नहीं दिया, अलग से दिया, मुझे लगा महाराष्ट्र बॉर्डर टच कर चुका हूँ तो वड़ा पाव खा लूँ। हालांकि अब यहाँ से महाराष्ट्र ही एंटर करने वाले हैं, 4-5 स्टेट क्रॉस करते हुए जा रहा हूँ मैं अभी। भाई बहुत सोया। अब यहाँ बैठ करके थोड़ी देर धूप खाऊँगा, ये धूप दिल्ली में नहीं मिलती। हाँ, जैसे जैसे मैं ट्रैवल करते जा रहा हूँ ठंड ख़त्म होते जा रही है और मैं धीरे धीरे मतलब अब गर्मी को इन्जॉय करना शुरू कर चुका हूँ, ये गर्मी फील होने लग गई है। तो अब खाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ स्टेशन पर बैठ करके 10 मिनट खाऊँगा माँ की आँख सब। भाई ये मज़े अलग हैं यार, अब ट्रेन में अपनी बैठी रहेगी, मेरी बिफोर टाइम आई है, मज़े करूँगा मैं थोड़ी देर स्टेशन पे चिल मारने बैठूँ। अच्छा हुआ जल्दी आ गई भाई, अंदर ट्रेन के अंदर क्योटिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब अभी यहाँ से नहीं कुछ तो मुझे लगभग 1 बज रहे हैं ना, लगभग 21-22 घंटे अभी अभी टानने मुझे भाई। बहुत टानने 22 घंटे अभी भी। लेट्स होप आराम से टन जाए, दिखाते हैं आपको जैसे जूस होता है। तो भाई अभी अपन ने एक चीज़ नोटिस किया कि अपन जो ये वसल बोल रहे थे ये अपन महाराष्ट्र के अंदर घुस गए हैं। तो अपन ने अभी जब वड़ा पाव भी खाया तो अपन को थोड़ा फील होएला कि हाँ अपन महाराष्ट्र के अंदर में साहब एकदम आ गए ले। तो थोड़ा बोली बोली बदलेंगे वीडियो अपन, मतलब है कि नहीं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अपना डायलेक्टिक्स, देखते हैं अपन किधर भागते हैं। मतलब एक्चुअली वो ये रहा कि मतलब मैं इधर थोड़ा सा
जब मैं वड़ा पाव ले रहा था उन भैया, ऑल दो बहुत अच्छा नहीं था यार वड़ा पाव, मतलब खराब एक्सपीरियंस कहूँगा मैं उसे, लेकिन उनसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी बोली अचानक से स्विच हुई। मैंने उनसे पूछा कि हाँ महाराष्ट्र बॉर्डर कहाँ, बोला यार महाराष्ट्र घुस गया आप पूरा। मैंने बोला बुढ़ू अब तो बढ़िया एकदम मस्त बात हो गई है। तो फिर दिखाते हैं खेला, अभी चलते हैं, अभी थोड़ा धूप ही खाएंगे थोड़ा और, अंदर एसी का एकदम फील वील थोड़ा दूर लेने का है भाई, है कि नहीं। मेरा बस अब थक गया मैं, अब राजी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है मेरे को घर जाना है। अभी डे थ्री चल रहा है मेरा, डे वन जिस दिन बोर्ड किया रात में, चलो उसको डे वन नहीं मानते हैं तो अगला दिन मान लो, डे टू जो मेरा ऑफिशियली डे टू जो है, पूरा दिन ट्रेन में गया, अभी तीसरा दिन है, अभी सुबह उठा, अब यहाँ से सिर्फ 4 घंटे की जर्नी बची है, लेकिन वो 4 घंटे नहीं कट रहे हैं। हो गया मैं आज एकदम सुबह सुबह 4 बजे उठ गया, कल रात में डिनर नहीं किया मैंने, मैं सोचा कि सो के निकाल देता हूँ जल्दी से, तो मैं सो गया जल्दी, सो करके उठा, उठ करके फिर मैं अब देख रहा हूँ अभी 4:30 बज रहे हैं, फिर मैंने एक दो राउंड मूवी वूवी देख ली, कुछ ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं हो रहा, अभी 7 बज रहे हैं भाई, अभी 4 घंटे और खींचने हैं, बस अब थक गया, बस अब ख़त्म करो भाई, अब सफ़र नहीं हो रहा, अभी सफ़र कर रहा हूँ मैं, अब ऐसा लग रहा है भाई, अब हो गया मेरा बस, अब रेलवे से थैंक यू है मेरा बस, अब भाई पहुँचा दो भाई, बस अब पहुँचा दो तुम बस। एक तो भाई सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ सिग्नल हो गया, चलो सिग्नल हो गया भाई, जा रहे हैं सिग्नल हो गया, चढ़ लेते भाई, सिग्नल हो गया भाई। भाई सबसे सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो मुझे लग रही है मेरे साथ है वो हो ये रही है कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से नीचे तो अच्छा नहीं हुआ सिग्नल, मैं ठीक है कोई बात नहीं भाई, अच्छा दूसरी गाड़ी का था हूँ भाई। सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो ये है कि मैं जहाँ बैठा हूँ, मतलब मेरा अपर बर्थ है, वहाँ नीचे लोअर पे दोनों एजेड आंटी हैं, अब वो भाई 24 घंटे सो रही हैं नीचे, तो इसके चक्कर में उन्हें डिस्टर्ब करके नीचे बैठ भी नहीं सकता, तो मैं या तो सिर्फ ऊपर जा रहा हूँ तो मैं सो रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ तो कुछ शूट कर रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं करने को, मैं नीचे बैठ नहीं रहा हूँ, ऊपर बैठने की जगह होती नहीं है, तो मतलब ये अलग लंका लगा हुआ है, ये भी एक अलग कहानी चल रही है, बट ठीक है बस अब हो गया, अब बस अब घर जाना है, अब परिवार वालों से मिलो, मुझे घर जाना है भाई, अब हो गया बस। आज ऑलमोस्ट बीत गए, और ऐसा नहीं कहूँगा कि पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा पता चला, और हो गया ख़त्म, बैंगलोर कैंट आ गया, अब यहाँ से बैंगलोर सीरीज़ और उसके आगे की चीज़ें शुरू करने वाला हूँ, और कुछ ट्रैवल प्लान्स किए हैं, दिखाते हैं बताते हैं आपको, हो सकता है कुछ मज़ेदार वीडियोज़ आएँ आपके पास, तो तब तक के लिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों को, और जो जो सारी चीज़ें कर सकते हैं हम करते चले जाइए, ठीक है, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ अभी घर, मैं थक गया हूँ, मेरे को ट्रेन में बहुत सोया लेकिन फिर भी सोना है, और सबसे ज्यादा मेरे को वो थोड़ा थोड़ा चिल चाहिए यार, थोड़ा बहुत हो गया बस खत्म।